स्वागत है आपका मेरे चैनल जीबी सेना में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन से। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत ही फ्री है और इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसी में आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं और अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई उसके पीछे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ऐप है। उसमें क्वालिटी भी एकदम कमाल की है। तो आप किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उस ऐप यूज करते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही हर यूट्यूब से जुड़ी या तो कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो। तो बस देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये है वो ऐप और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको सबसे पहले तो जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको वीडियो रेगुलेशन रखना है 1080p। फिर आपको जाना है वीडियो क्वालिटी, उसे आपको ऑटो पे रखना है, और आता है FPS तो उसे भी आपको ऑटो ही रखना है। फिर आता है ये वीडियो वाला वीसे भी ऑटो। यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे शेक फोन तो स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसे आप इनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं। आप इसे शेक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी। और ये काउंटडाउन है, इसे आप 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रख सकते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 3 सेकंड का वक्त लेगा, फिर स्टार्ट करेगा। फिर ये जो मैंने इनेबल करके रखा है, ये अगर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आता है तो आपके जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसे स्टॉप कर देगा, और आप फ़ोन पे बात करने के बाद फिर से इसे चालू कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, कैमरा, रिकॉर्डिंग, शो टच, फिर वाटरमार्क। ये थोड़ा अच्छा फीचर है, इसमें आपको जब ये ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इनेबल होगा, इसे आपको डिसेबल कर देना है। इसे आपका वीडियो में कोई वाटरमार्क नहीं दिखेगा, ठीक है। बाद में आप और भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड करेगा। फिर आता है एडिट कैसे करें, तो एडिट में आपको देखिए यहाँ पे जाना है और एडिट वीडियो। यहाँ पे मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, देखिए ये वीडियो आ गया। फिर आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एड म्यूज़िक, सब टाइटल, इंट्रो, आउट्रो, स्पीड, वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। एड इमेज, फिर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इस तरीके का आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ एड म्यूजिक, देखिए यहाँ से मुझे सीधा अपने म्यूजिक में ले जाएगा। फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा। तो यहाँ से आप सबटाइटल लगा सकते हैं, इंट्रो आउट्रो, फिर आती है स्पीड। तो ये मैं आपको सब कुछ क्लियर ही नहीं समझा पाऊँगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप खुद देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड वाला एक दिखा देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेज मिल जाते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये एकदम बढ़िया लगेगा, आपके वीडियो की क्वालिटी में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐप काम करता है। और जब आप इसके बाहर होंगे तब यहाँ पे ये जो साइड में दिख रहा है ये अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपके फ़ोन में भी ऐसा आएगा, और वहाँ से भी आप स्टॉप या तो प्ले वैसा सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप एंड सेव का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ हर ऐसी छोटी बड़ी हर वीडियो यूट्यूब से जुड़ी हो चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।